राम। अच्छा बाबूजी, हम करंट मैटर विधायक गायक रमेश यादव और अपनी पार्टी की ओर से यमडी म्यूजिक चैनल गाजीपुर के सौजन्य से पुनः एक और विरहा करंट मैटर आप लोगों के बीच में भेज रहल बानी। जो भी हाल हाल की घटना है न्यूज पर, फेसबुक के माध्यम से, अखबार के माध्यम से बाबूजी सुनने देखने को मिल रहा है। आज इंसान के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं रह गई बाबूजी। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने हमारे आवाज में सुना था यमडी म्यूजिक चैनल के सौजन्य से दिल्ली का वो श्रद्धा आपताप मर्डर केस वाला, उससे भी खतरनाक यह घटना आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। और आज बड़ी सौभाग्य की बात, जिनका हम हमेशा नाम लेते हैं अपने हर कैसेट में, हमारे बड़े भैया आज हमारे यमडी स्टूडियो में उपस्थित हैं। बड़े भैया फौजी बसंत यादव जी, और मैं सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। लेकिन चार लाइन भूमिका के अंदर कहना है, कवि की कलम संकेत करती है क्या, दिल सहम सा गया देख कर दुर्दशा, क्या पहम हो गया आज इंसान को, करता है वानियत भूत ऐसा चढ़ा, कतरे कतरे किया साँचे अरमान को, जिंदगी की सफर दिल लगी तोड़ कर रख दिया प्यार परवान को, कभी बाबू राम श्याम लाल की क्रोधित कलम, करती धिक्कार है ऐसे नादान को। कभी बाबू राम श्याम लाल की क्रोधित कलम, करते धिक्कार है ऐसे नादान को। कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को जो ऐसे घिनौने कारतूत कर रहे हैं, मत करो ऐसा, नहीं आपको कभी खुदा भी माफ नहीं करेगा। प्यार के हल्का में मत ला। एक वह प्यार था, इतिहास गला है, लैला मजनू हीर रांझा सिर फरहाद, और तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्यार इतना सुंदर शब्द है उसको कलंकित न करो। विरह के अंदर एक लाइन गजल के अंदाज लगल मास्टर, मंजूर हो जाए असनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, लेकिन बहाव है
आए मोहब्बत करने वाले, आए प्यार करने वाले। कवि ने कितना सुंदर लाइन लिखा है अपने कलम के द्वारा, कैसे यही से कहानी की शुरुआत बाजरा। कहानी पर गौर करेंगे, कहां का कहानी बा मास्टर? झारखंड साहिबगंज में घटना एक अजीब हुई, प्रेम में आदिवासी महिला बद नसीब हुई। दिलदारी अंसारी वही कबाड़ी कारोबारी है, कमाई अच्छी करता अच्छी तब खरीदारी है। रुबिका पहाड़ी से एक दिन तब मुलाकात हुई, रुबिका पहाड़ी से एक दिन उसकी मुलाकात हुई। प्यार परवान चढ़ा दो दिलों की बात हुई। अरे भैया कहानी पर जरा गौर करेंगे। प्राण झारखंड में साहिबगंज की घटना है बाबू, वहीं के रहे वाला जकर नाम मुस्तकीम अंसारी बताया गया बाबू जी, जकर पत्नी का नाम मरियम खातून बतावल गई, बड़े वाले बेटे का नाम दिलदार अंसारी और दो बेटा और एक बिटिया रहे ए बाबू। वही परिवार रह करके और परिवार में सारे लोग कमासूत व्यक्ति हैं बाबूजी, सब लोग कोई न कोई धंधा काम करके रुपया पैसा कमात हुआ आ परिवार के जीविका भरण पोषण बहुत बढ़िया से चल रहा बाबा ए बाबू। लेकिन जोन सबसे बड़ा वाला बेटा रलन जकर नाम दिलदार अंसारी बतावल गई ए भैया, जकरे पत्नी का नाम गुलेरा बतावल गई ए भैया, वो दिलदार अंसारी कबाड़ी का काम करते थे। दिन ब दिन बाबूजी डेली बाई डेली गांव गांव में जा करके फेरी लगा करके और कबाड़ा ले करके आते थे और बाजार में ले जा करके कबाड़ा को बेचते थे। ए भैया कबाड़वा के जब बेच ले रुपया पैसा मिल जाओ बाबूजी, तो वही बगल में बाजार में एक बड़ी किराने की दुकान है, वहीं से जा करके घर का राशन उशन लेकर के डेली बाई डेली दिलदार घर पर आते थे। ए भैया देखें एक रोज पैसा रुपया लेकर के उसी दुकान पे पहुंचा है दिलदार, बैठा है पर्ची बनवा दिया सामान, दुकान वाले जो है निकाल रहे बाबूजी, इतने में एक रूबिका नाम की लड़की आती है, वही बगल की रहने वाली है रूबिका जो घर की जिम्मेदार व्यक्ति है बाबू, वो भी डेली बाई डेली राशन लेने के लिए दुकान पर आती थी। बगल में बैठा है दिलदार, रुबिका आकर के अपनी पर्ची लगवाती है, लगवा करके बैठती रही बाबूजी, लेकिन देखने में अति सुंदर है, सुंदरता का कोई जवाब नहीं है, लेकिन दिलदार का जब नजर पड़े ए बाबू मन ही मन दिल दे बैठता है। ए भैया ओ दिने तो कुछ नहीं बोलल, वो सामान लेकर के अपने घर चली जाती है, दिलदार भी अपने घर चला जाता है। लेकिन रोज के नहीं दूसर का दिन दिलदार कबाड़ा बटोर के बाजार में बेच करके पैसा लेकर के उसी दुकान पर पहुंचा है बाबू, लेकिन खुदा ना खास्ते दूसरे दिन भी रूबी जोनवा सामान ले पर्ची लगवा दे बाबू, सामान तनी ज्यादा हो गई सूरत भैया, पैसा थोड़ा कम पड़ गई, सोचे लागल कि सामान ही कुछ कम करवा दे या उधार करवा दी। तब तक दिलदार बोल पड़ा, अरे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कितना पैसा कम है मैं दे देता हूँ,
इतना बात जब सुनी है वह रूबिका ऊपर नीचे ताकय लगल मन ही मन सोचा थे कि कबो न जान न पहचान न देखल न सुनल और इस ढंग से बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी सोच गई कि इस धरती पर बहुत ऐसे नेक दिल इंसान है जो गरीबों की मदद करते हैं, पैसा दे देता है बाबूजी, सामान लेकर के चली जाती है और यह भी अपने घर चला जाता है। लेकिन वही दिन से दिमाग में और रूबिका का सूरत नाचे लगल, सोच रहा है कि मालिक जिसको हमने देखा है काश अगर वो हमारी हो जाती तो जिंदगी सुखमय बीत जाती। लेकिन दूसर का दिने भी कबाड़ा बेच के पैसा लेके पहुंचल भगवान क कृपा देख है रूबिका भी पहुंचल बा। तो यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर, मेहरारू का तकलीफ हो आउ तकलीफ अपने आदमी से ना कहतिया, ट्रेन से कहे का कहे रोज रोज चाली तू तो पिया के ना करिया। दूसरे दिन वो दुकनिया पर पहुंचल बा और रूबिका भी पहुंचल बा। तो और समय का कवि जी भाव लिखल था, ले के कहां बादर रोजी पहुंचे दिलदार हो, बड़ी सौभाग्य बात है हमरे बसंत भैया, फौजी बसंत भैया बहुत रुपया दे करके सम्मान किए, भैया को प्रणाम, सबको प्रणाम हो, लेकिन भाव हो ले के कहां बाड़ा रोजी पहुंचे दिलदार हो। इजहार कर ही देता है दिलदार, लेकिन आखिरकार एकरे बोली एकरे स्वभाव पर खुश होकर क्या और रूबिका भी कह देती है, अरे दिलदार जितना तुम मुझसे प्यार करते हो शायद कहीं तुमसे ज्यादा आपसे मैं प्यार करती हूँ। ए बाबू अब खुशी का ठिकाना नहीं बा, डेली दुकान पर लोग सामान लेवे आवे, डेली भेंट घाट होत रहल, चोरी लुक्का प्यार कुछ दिन तक चलल, लेकिन रूबिका पूछ पड़ती है कि कहीं आपकी शादी तो नहीं हुई है। दिलदार कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई है और
आपसे झूठ बोल करके हमें क्या मिलेगा ए भैया। तब रूबिका कहती है कि अगर शादी ना भइल हो तो लुका छिपी प्यार कैला से कौनो मतलब नहीं हो। जब हम तोहके पसंद ही तू हमके पसंद हुआ तो शादी विवाह को के आ साथे में सुखमय जिंदगी बितावल जाए ई बेहतर होई। ई बात दिलदार के भी जम गई आ घरे के चोरी चोरी वह दिलदार ले जा करके और उस रूबिका से शादी करता है। उधर रूबिका के परिवार वाले मना करते हैं कि बेटी ऐसा ना करो, नहीं तो जो जो ऐसा किए हैं उनका हश्र तुम एक बार देख लो, मत करो नहीं तो माता पिता और बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। सबको हटा दी सामने से, सबको भूल गई। जो माँ ने 9 महीना गर्भ में पाला पोसा मिस मार के सयान कैली, आज ओहूक बात भूला के रूबिका प्यार में पागल हो गई। तो दिलदार कैलस का शादी रचा के अपने घर ले आईले हो, बढ़े लागल घर में ताका रारी हो। परिवार में झगड़ा होला या फट में पड़नावा हो, गईले घबराई दिला डारी हो। रूबिका के तू खवाया पार हो, रूबिका के तू खवाया पार हो। माई बाबू का अपने बतिया ना माना ली हो, यही से मिलल हो आखिरकार वही मंदिर में जाकर के वह दिलदार झूठा बोल करके बाबूजी और रूबिका के मांग में सिंदूर सजा करके अपनी दुल्हन बना करके रूबिका को घर पर लेके आता है। ए भैया घरे जब अलन लोग पूछतवन कर ई के ह, लोगन से भूलवावत ह, लेकिन सूरत भैया कय घरी झूठ बोल के कय दिन बिता लेबा। झूठ का एक ना एक दिन पर्दा फाश हो के रही। आखिरकार धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई बाबूजी, पोल खुल गयल। जब पोल खुलेल हो तो ये आप लोग जानेला कि मेहरारू ऐसन जात हो कि लकड़ी यानी काठे का सवत बर्दाश्त ना होला। इत समनह साक्षात लिया के रख दे ले बा। पूरे परिवार के लोग उस रूबिका से जलने लगे बाबूजी, दिलदार से भी जलने लगे। लेकिन देखा है बाबू परिवार में तकरार बढ़ गई। डैडी भाई डैडी, परिवार में झगड़ा होके लागल। झगड़ा कजर रूबिका बा। अच्छा तो रूबिका का भी कमन दोष है। रूबिका भी जब जान गई के झूठ बोल करके हमको फंसा करके शादी कर लिया, मन ही मन ओहो सोचतिया कि आज बहुत बड़ी गलती कैली जेकर सजा हम ही भोगत है। माई बाबू हमार मना कैलन, हम बात नाही मल्ली। ए बाबू एक दिना उस दिलदार से कहती है रूबिका कि आप तो हमें झूठ बोल करके हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर ही दिया, कोई रास्ता ढूंढो वरना इस परिवार में गुजर होने वाला नहीं है। ए बाबू दिलदार कहता है कि घबराओ नहीं, मैं सबको समझा बुझा करके और यही रह करके जीवन यापन करेंगे। ए भैया ये कहानी धीरे धीरे कुछ दिन तक चलल, लेकिन परिवार के लोग ना खुश रहते थे। हर समय दिलदार को चढ़ाते थे
कि इसको यहाँ से किसी तरह हटा दो। पूरे परिवार के लोग, जो दिलदार की पहली औरत थी गुलेरा, उनकी माता, उनके पिता, दो भाई और एक बहन, सब लोग उनके तरफ थे बाबूजी। लेकिन देखें सबसे बड़ी बात, जो दिलदार की मांग है वह एक योजना बना रही है। का योजना बना उलस मास्टर? विदेशिया से भाव लगा। अरे देई के संदेशाय पुणे, अरे भैया के बलवली हो, अरे आगे बारी योजना, अरे बनवलिन मातरिया। ए बाबू, दिलदार की माँ अपने भाई यानी दिलदार के मामा को बुलवाती है, सारी दास्तां बताती है और 20,000 रुपए के नाम की सुपारी देती है। अपने भाई से कहती है, मैं इतना पैसा दे दूंगा, लेकिन ये जो दूसरी औरत है दिलदार की रूबीका, उसको ठिकाने लगवाने का जिम्मा तुमको है। ए बाबू, आखिरकार तैयार हो गया उस दिलदार का मामा अपने साथियों के साथ में और योजना बनाता है पूरी परिवार के साथ में। तो बहला फुसला के अपुने, अरे सठवाली आई चल दे, अरे पहुंचे दोस्ता मैनू सारी के बखरिया, हाथ पाऊ बाधी दे, अरे पापी का सैया हो, अरे मारे खातिर हथवा, अरे लिहल काटरिया। ए बाबू, योजना बना करके शाम की टाइम है और दिलदार कहता है, बगल में है उनके मामा, सब लोग हैं। दिलदार कहता है कि चलो बैग उठा लो और चलो यहां से चलते हैं। रूबीका कहती है, कहाँ जाना है? आप तो कहते हैं कि आपका ही ये मकान है, यही सारी जिंदगी गुजारनी है, लेकिन कहाँ लेके जा रहे हैं? दिलदार कहा कि नहीं, इस परिवार में देख रही है कि डेली बाई डेली झगड़ा हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि मैं आपको अपने से दूरी नहीं देखना चाहता, चलो यहां से चलते हैं, कहीं भी बाजार उजार में रूम लेकर के और वही मैं पैसा कमा करके अपना और तुम्हारा जीविका चला लूंगा। ए बाबू, लेकर के वहां से शाम के टाइम चल दिया और जो दिलदार का मामा था उसकी सेटिंग थी बाबूजी, उसका एक मित्र था जिसका नाम मैनुल अंसारी बताया गया, उसके घर पर लेकर के पहुंचना है बाबूजी। धीरे धीरे रात हो गई, वहां जब पहुंचल न, अब रूबीका का कुछ आहट लगल बा। ए बाबू, मन ही मन भांप जाती है, आंख से आंसू चलने लगा कि मालिक, हमने कोई गलती नहीं किया था, हमने तो प्यार किया था, क्या प्यार में यही मिलता है? न्याय होना चाहिए मालिक हमारे साथ, बताओ यला, जेकर दुनिया में केहू नहीं होला ओकर भगवान कोनो कोनो रूप में मदद करेलन, लेकिन इतने में पापी नीच कसाई बाबूजी रस्सी से और उस रूबीका को बांध देते हैं, बांध देलन। अब एक भरोसा हो गई, आंख से आंसू चल रहा है, डो रो करके कहती है दिलदार की तरफ देख करके, लेकिन बाहर नीच कमीना पापी गद्दार उस रूबीका से आंख से आंख नहीं मिला रहा है। बगल में खड़ा है, कुछ कहने के लिए इशारा करती है रूबीका, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है, हाथ पांव बांध गए। इतने में जे 20,000 का सुपारी ले गए जो दिलदार का मामा रहन, उठाया कटारी बाबूजी हाथ में, जब कटारी देख ल सहम जाती है, रो रो करके कहती है कि अरे दिलदार, क्यों तुमने प्यार किया? प्यार किया वहां तक तो ठीक था, लेकिन शादी कर लिया, वो भी झूठ बोल करके, हम नहीं जान पाए कि तुम हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे, नहीं तो शायद तुमको पता होगा कि तुम्हारे चलते मैं अपनी माँ बाप पूरे परिवार को त्याग करके
तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की कसम खाई, तुम भी तो वादा किया पूरी साथ जिंदगी निभाने का, लेकिन क्या कर रहे हो? एक बार कम से कम हमारी तो सुन लो, मत अपने यहाँ रखना, हमको बाईचत तुम्हारे घर भिजवा दो, हम अपने माता पिता के यहाँ नहीं सह के जिंदगी बिता लूंगी। लेकिन बाबू हो एक बात नहीं सुन रहे, लेकिन जब बारे चलन हो इशारा करती रो रो करके, और रो रो करके अपने पति दिलदार से एक बार कहती है, क्या कहती है? यही कहती है कि रोई रोई रूबिका देवे जंगल दुहैया हो, सुना सैया को सैया हो। अरे स्वामी ये का करतुआ स्वामी, दुनिया अपने परिवार खातिर हमके अपन अर्धांगनी बना के ले जा, लेकिन स्वामी ऐसे मत करा स्वामी। कहती है क्या? रोई रोई रूबिका देवे नगल दुहैया हो, सुना सैया को सैया हो। ए हो सैया कावन हम से भइल बाका सूर की जनवा हमर मारक बाटा हो। स्वामी जी हमार कौन गलती, हमार कौन कसूर, काहे ऐसा करत हुआ? एक बात बड़ी मरमाहा के बात कहलस का कि तोहरा के पाके छोड़ दे करवा तू रवा हो, आईनी हम तोहरा पजरवा हो। ए हो सैया नजरा से कैला काहे दूर की जनवा, काहे मारत बाटा हो। ए बाबू लाख दुहाई देने के बाद आखिरकार सर पे भूत सवार बाबू जी, लेकिन पापी नीच कमीना एक भी बात नहीं सुनलन उस अबला की बाबू जी, और कटारी लेकर के देखे करते क्या है भाव मास्टर। पापी निर्दयिया ना सुन ले दोहैया हो, सुन ले दोहैया हो, दिहल दुनो सर धरे अल गाए जी। बोटी बोटी काटी पापी बोरवा बे कसल हो, बोरवा बे कसल हो, अगल बगल फेका ला ले जा। गौआ के बाहर आगन बाड़ी के पिछवा ये पंचो, आगन बाड़ी पिछवा हो पहिया नो जग कुतावा दे जाए जी। ए बाबू रात में ही रूबिका की कई टुकड़ों में विभाजित करके बाबूजी मानवता की सरी हादे पार करके कई टुकड़ों में विभाजित करके, और वही अगल बगल में झाड़ी में ले जा करके कई अंगों को अलग अलग जगह उन्होंने फेंक दिया। लेकिन बाबूजी देखे आखिरकार शनिवार 17/12/2022 को, शनिवार को सुबह गांव के कई लोग टहलने के लिए निकलते हैं बाबूजी, एक दृश्य ऐसा देखने को मिला बाबूजी, बिल्कुल जानवरों की तरह
कई कुत्ता मिल करके और रूबिका का जोन बांह का टुकड़ा रहा, झाड़ी से खींच करके कुत्ता और उसको नोच नोच करके बाहर ला रहे हैं। एक मनई का निगाह पड़ल पास में जाकर के जब देखता है कि ये तो मनुष्य का अंग है, वही शोर शराबा मचाते हुए गांव की तरफ दौड़ा है बाबू। गांव के तमाम लोग चलन है, यहाँ तक कि गांव का मुखिया जी प्रधान जी मौके पर पहुंचलन है। देख करके सभी लोग अवाक हैं। आखिरकार थाने पर सूचना देते हैं प्रधान जी, लेकिन उन नीच पापी कसाई के ऊपर कवि जी एक लाइन तेरी सुभाव लिखलन का, और ये मोरे राम अब नियंबर की छाती फट गई, अरे यवनी अंबर की छाती हो, यवनी अंबर की छाती फट गई, तो पापी कतरे कतरे किए प्रेम की थाती, हाँ थाती हाँ थाती, पापी कतरे कतरे किए प्रेम की थाती, औनी अंबर की छाती फट गई। ए भैया, चारों तरफ खबर फैलने लगी, मीडिया न्यूज चैनल वाले भी वहां पहुंचे, खबर को दिखाने लगे बाबूजी, लेकिन प्रधान जी कैलन का पहपट स्वभाव लग गए। करे पहुंच गए, अरे प्रधान खबर के पाई आई मौके पर, अरे दिए सूचना थाने पर भेजवाई आई मौके पर, डीएम एसपी, अरे थानेदार भी आए हो, अरे सीआईडी फॉरेंसिंग टीम को अरे तुरंत वहां बुलवाए हो, अरे खुला बोल तब मैं डुल गया पकड़ाई आई मौके पर, अरे बदल पुलिस का डंडा दिया बताई आई मौके पर, आए बाबू वहां शासन प्रशासन के लोग पहुंचते हैं। पहले थानेदार महोदय पहुंचे बाबूजी, काफी लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा वहां, मामला तनावपूर्ण था। थानेदार महोदय एसपी महोदय से बात करके वहां, और एसपी महोदय डीएम महोदय तमाम सीआईडी के लोग वहां पहुंचते हैं बाबूजी, और वहां डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची बाबूजी। ए भैया, प्रशासन के लोग वहां खोजबीन जारी भइल है। बतावल जला बाबूजी, प्रशासन ऐसन चीज है, मुवल मुर्दा के लोग भी उबार देलन, मन से चाहे दे तो। ए भैया, पता लगावे लगलन, लेकिन तब तक थानेदार महोदय कहते हैं कि दो तीन रोज पहले हमारे यहाँ एक गुमसुदगी का रिपोर्ट दर्ज था, और वह रिपोर्ट कौन दर्ज करवाया था? वही दिलदार जो झांसा देकर रूबिका से शादी किया था। इधर रूबिका का कत्ल करके दो दिन के बाद जाकर के गुमसुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराया था। थानेदार महोदय एप्लीकेशन देखते हैं, नाव गांव सब पता चलल है, पता लगाने लगे, लेकिन जो डॉग थे बाबूजी, और जब जांच हुआ तो जांच वाला जो कुत्ता रहलन सब, उस सीधे वहां गए जहां जिस दोस्त घर में
रूबिका का लोग मर्डर किए थे। वहां पर जब पहुंचे वहां बाबूजी खुलासा हुआ, पकड़ा गया मैनूल अंसारी। जब पकड़ायल है पुलिस का डंडा जब बजल बाबूजी सारा भेद को ओपन कर देता है। प्रशासन के लोग पहुंचे दिलदार के घर और दिलदार उनके मामा उनके माता पिता भाई बहन सारे लोगों को पकड़ करके अपने कब्जे में ले करके और थाने में बंद कर देते हैं। ए भैया इसके बाद अभी भी 10-12 टुकड़ा मिला बाबूजी रूबिका के शरीर का और प्रशासन अभी भी खोज में लगी है बाबूजी। बिरहा गाने तक अभी खोजबीन जारी थी लेकिन उधर गांव के लोग मोहल्ला के लोग बाबूजी सारे लोग उग्र हो गए और शासन प्रशासन के खिलाफ धरना पर बैठ गए। आखिरकार शासन प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं, डेली बाय डेली ऐसी घटना देखने सुनने को मिल रही है। सब लोग धरने पर है, मामला तनावपूर्ण है लेकिन आल्हा से भाव लगल मास्टर। अरे राम अरे करनी कफाल अरे करनी कफाल सबके मिली दुनिया में भैया जुर्म को कबूल किए पापी वो गद्दारी कायम मुकदमा भैले सेशन कोर्टवा में बाबू भारी प्रदर्शन जनता कर ले सड़क पर भैया एक दिन बन भैल पूरा हो बजावारी फांसी चाही पपियन के नवा बाबू बाबू। यहां तक लोग वहां के किए धरने पे तो बैठ ही गए लेकिन उस दिन बाबू जी पूरी मार्केट को बंद करके सब लोग धरने पर बैठ गए। शासन से ही मांग करते रहे कि आखिरकार इसके लिए अगर कोई अलग से सख्त कानून नहीं बनाया गया तो आए दिन ऐसी घटना सुनने देखने को मिलती है। कभी हमारे साथ होगी, कभी आपके साथ होगी, किसी के साथ हो सकती है। इसलिए शासन प्रशासन के लोगों से यही मांग करते थे लोग कि ऐसे नीच दरिंद पापी पापियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ए बाबू लेकिन देखें डीएम महोदय एसपी महोदय किसी तरह से सांत्वना दे करके धीरज बढ़ा करके मामला को शांत कराते हैं और जितने लोग जेल में थे बाबूजी सभी लोगों के ऊपर मुकदमा कायम होता है। लेकिन जब मुकदमा का खबर न्यूज के माध्यम से चारों तरफ फैला है तो फिर एक बार लोग उग्र हुए और एक ही मांग कर रहे हैं बाबूजी। कौन सी मांग है? झूला
जानम ऐसन होत बारो जानम सोच समझ के कदम आगे को बढ़ाना लोगों की यही मांग है और हम विराह के माध्यम से भी कहते हैं। हम करंट मैटर विराह गायक रमेश यादव पूरी पार्टी की ओर से और अपने बसंत भैया की ओर से अपने गुरुजी बाबू राम यादव श्यामलाल पटेल गुरुजी की ओर से प्रशासन से मैं भी मांग करता हूं ऐसे नीच दरिंदों को सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। और एक बात मैं विरह के माध्यम से समाज के लिए बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले एक बार पीछे की तरफ अपनी माँ बाप की तरफ जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रथम गुरु हमारे माँ और बाप होते हैं, पिता होते हैं। अगर उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे तो निश्चित रूप से अपने मंजिल को हासिल करेंगे। और जिस दिन माता पिता के बिना कहले रास्ता पर चल ली बात ऐसा हस्त्र हुई, ये लिए समाज बदे हमारे निवेदन है कि आप लोग सब कुछ करा लेकिन माई बाबू के आदेश के अनुसार। विराह का लास्ट लाइन लिखे पड़ल, गुरु बिहारी लगन देव की राम फेर जीव शिव धारी बाबू राम श्याम लाल मुन्ना किशोर से जय फूलो